खबर रायपुर से है, जहां गौसेवक साधाराम यादव हत्याकांड के मामले में अब जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इसकी घोषणा की है। बताया जा रहा है कि बुधवार को साधाराम यादव के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए मामले में विस्तृत जांच व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की मैराथन बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बता दें कि झीरम कांड के बाद छत्तीसगढ़ में यह दूसरा मामला होगा जिसकी एनआईए जांच करेगी। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। पिछले दिनों साधाराम यादव की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयतापूर्वक गला रेंत कर उसकी हत्या कर दिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधाराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषीदार लोगों को मिले। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम परिजन को और हमारे गृहमंत्री भी स्वयं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, आज धर्मलाल जी भी यहाँ पर समक्ष में हैं, तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए, क्योंकि कोई दुश्मनी रहता है तो इस तरह की कोई घटना होती है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं थे और इस तरह से नृशंस हत्या किए हैं, तो हमको लगता है ये कोई व्यक्ति की हत्या नहीं लेकिन एक विचारधारा की हत्या है, तो इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए एनआईए को सिफारिश करेंगे कि इसकी जांच वो करें।